खतरों से वो ही खेल सकता है जिसके पास तेवर हो और जो बहुत बड़ा गुंडा भी रह चुका हो। और चैलेंजिंग क्या ऐसी ऐसी इंट्रोडक्शन हो, बाकायदा कभी मेरी शादी नहीं होगी। वही गुंडा जिसके तेवर हो, मतलब सब आंटियां सोच रही होंगी कितना कितना नालायक इंसान है। नहीं, आपके तेवर हैं, आप में दम है, तभी तो आप खतरों से खेल सकते हैं जी, ऐसा मैं दुआ करता हूँ, यही पॉजिटिव थॉट ही वो लोगों के दिमाग में। नहीं, पॉजिटिव थॉट है। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या रहा आपके लिए उसमें? शो को होस्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज इतने सारे लोग जो कंटेस्टेंट हैं उनको संभालना, उनको समझना, उनको परखना, और साथ ही में टू बी अर्जुन कपूर, एक एक्टर होने की बदौलत आपको कैरेक्टर में जाने का मौका मिल जाता है जब आप पिक्चरें करते हो। टेलीविजन होस्टिंग मतलब आप अर्जुन कपूर हो, तो यू हैव टू ऑलवेज बी द मोस्ट ऑनेस्ट एंड सिंसियर अर्जुन कपूर यू कैन बी, जो कभी कभी बहुत थकाने वाली चीज़ होती है, तो दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट। कभी लाइफ में आपको खुद किसी खतरों से खेलते हुए कभी किसी चीज़ से डर लगा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है? नहीं, मुझे सीलिंग फैन से डर लगता है, बहुत अजीब फोबिया है मेरा, पर और किसी चीज़ से तो जिंदगी में नहीं लगा। शो करने के बाद तो डेफिनेटली आप गारंटी से कह सकते हो नहीं लगता। और करीना कपूर के साथ भी आप आ रहे हैं, करीना को किसी चीज़ से डर लगता है कभी देखा आपने? जहाँ तक मुझे पता है करीना को किसी चीज़ से डर नहीं लगता, बट वो शी ऑलवेज मेक श्योर उनके बाल हमेशा अच्छे लग रहे, तो उन्हें बैड हेडेक का डर शायद लगता है। अच्छा, जाते जाते मैं चाहूंगी ऐसी चीजें जिससे कि आप डरना बंद कर दें और बहादुरी से हर सिचुएशन का सामना करें। सारे व्यूवर्स, रोजमर्रा की जिंदगी, आई थिंक डर बहुत नॉर्मल चीज है, हम सबको डर लगता है, लेकिन उससे हार नहीं माननी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, डर का सामना करना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बट यू हैव टू फेस दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आप भी बगैर डरे हर सिचुएशन का सामना करिए और बहादुर बने रहिए, तभी आपके कहते हैं कि डर के आगे जीत होगी। कैमरा पर्सन रावत के साथ चेतना भटनागर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।